हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब के चैनल पर स्वागत है। और कनपुरिया भौजी हैं किचन में। किचन में भैया, मकर संक्रांति के शाम के समय क्या बना रही हो किचन में, क्या बताइए। बना? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम का वक्त है और आज है मकर संक्रांति। तो मैं बनाने जा रही हूँ, मतलब कि जबकि बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ कचौड़ी आलू की। तो फ्रेंड बस सीधा सिंपल सा खाना, सर्दियों में कचौड़ी आलू वाली कचौड़ी खा रहा हूँ, आलू पराठे खा रहा हूँ, आलू गोभी खा रहा हूँ, आलू सेमी खा रहा हूँ। जब तुम ब्लॉग बनाते हो तब हाँ, तुम हमको ही क्यों मारते हो, अपने आप को क्यों नहीं और मारते हो? किसको मारे? अपने आप को मारा करो। नहीं, हम तुमको मारेंगे। तो कचौड़ी भरी जा रही भैया, ये देखिए अभी दो भरी हैं, ये इस टाइप की भरी जाती अभी हैं। शुरुआत की है फ्रेंड हमने। अभी ये तेल रखा हुआ है कढ़ाई में, अभी तेल डाला जाएगा। ये मटेरियल बना के रखा गया है, आलू का बर्ता कढ़ाई में है। तेल नहीं लग रहा है तुमको क्या? तेल लग रहा है कढ़ाई में, तेल फिर है इसमें, पड़ा है क्यों कह तेल। रहे हो कि भी तेल डाला जाएगा? नहीं, तेल पड़ा है, मैंने देखा नहीं। बताओ बताओ, मैं खड़ी हो गई। तो बोलो ओ भौजी, का से कबूतर। सैया जी मेरे, खाएंगे आलू की कचौड़ी। गाना का स्टाइल बदल लिया मैंने। कई दिन रहा करो भाई, कई दिन रहा करो तो फायदे में होगा। काय दिन रहोगे तो फायदे में रहोगे। तुम फिलहाल तुम अच्छा, मुझसे ना कहा करो। तो भैया देखा देखा भौजी के हाथ की कचौड़ी खाए का है, वो कमेंट करके बताइए हो। तो भैया भौजी कचौड़ी खाएगी नाच नाच के कचौड़ी बना रही है किचन में। तो फाइनली कचौड़ी मेरी भर चुकी है और कचौड़ी मेरी सिकने भी लगी है। ये देखिए, ये देखिए, खदखद 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 हो रही है, हो रही है कचौड़ी बन रही है। आप लोग आ जाओ फ्रेंड, बताए आप लोगों की एक राज की बात, आओ मेरे पास आओ फ्रेंड, ये ना हो ना फ्रेंड, राज की बात क्या है कि कचौड़ी कोई गरम गरम बनाए और खाने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे नसीब में कहा, हमारे नसीब में ना आए जा, हमें तुम्हें खाली बनाना है तो लाओ हमसे एक दे, तुम खा और लो कोई जाके। सहकन वालो ना है हमारे। इतनी गरम गरम खा लो, खा लोगी। मैं जो अपने मायके जाती हूँ वहीं गरम गरम मिलती खाने को, बाकी यहाँ मेरे नसीब में तुमको तौबा क्या लगता तौबा। है तुम खा लोगी? क्यों नहीं खा लेंगे, बात यह है कि कोई बना के देते गरम गरम तो चार की जगह आठ मतलब मुंह में चली जाती है, ठीक है आठ। लेकिन अगर भैया कोई बना नल में अगर है ही नहीं तो हम कैसे खा सकते हैं, तो तो इसीलिए भैया ये नज़ारा कढ़ाई कढ़ैया का ऐसा है कुछ देखने में, देख सकते हो आप लोग। तो भैया बचपन में हम लोग, माता जी हमारी चूल्हे पर कचौड़ियाँ बनाती थी। अब सभी लोग बैठ जाते, जितने भाई थे हम, दो तीन चार भाई हैं, चारों लोग बैठ जाते छो बचपन में। और जैसे एक गान निकलता था वैसे एक गान खत्म हो जाता था, मैदान सफा कर देते थे बहुत जल्दी। लेकिन ऐसा ही, हाँ आप नहीं, मतलब पहले जमाना था दूसरा, अब दूसरा जमाना, हम बहुत अब पहले की बात बच्चों बता रहे जब हम लोग छोटे छोटे थे, अब कहाँ इतने बड़े बड़े हो गए, अब सब लोग दूर दूर रहने लगे। बचपन की यही होता ही है कि तसल्ली नाम की चीज नहीं रहती तो है सभी किसी लोग में। साथ में बैठ करके खाते थे। वैसे फ्रंट कैमरा हम पका सकते थे, हमारा चिपटा था और हम इन्हें परेशान करेंगे क्योंकि कैमरा मैन बने ना, ए हम गिर जाएंगे। तो फ्रेंड फाइनली मेरी बन रही है कचौड़ी। और आप लोगों को मैंने क्या दही बड़े दिखाए थे? दिखाए थे नहीं, नहीं दिखाए थे। तो मकर संक्रांति को मेरे यहाँ दही बड़ा सुबह खिचड़ी बनती है और शाम मतलब सुबह एक दिन पहले दही बड़े बनते हैं। तो दही बड़ा मैंने बनाए थे, आप लोगों को ब्लॉग नहीं दिखा पाए, वो RS ब्लॉग 56-84 में मिलेगा आप लोगों को, RS ब्लॉग 56-84 पे वो वाला ब्लॉग दही बड़ा वाला मिलेगा। तो ये देखिए मैंने बनाए
तो दही बल्ले जिसको खाना है वो आकर के खा सकता है दही बड़े। वाव यार फूले बहुत मस्त, कसम देखो बड़े मस्त लग रहे हैं आप लोग। किस किस को भाभी के आज का खाना पसंद है हमको कमेंट्स करके बताना। अच्छा फ्रेंड गिरे जा रहे हो मेरे की तुम जगह ना ही तो बीच आगे पड़े हो सही कर दिया। चलो निकलो 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 इधर आ जाओ। नहीं इधर आओ, तुम्हारी कुछ हरकत ठीक नहीं लग रही मुझे। हटो कमरिया हल 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 चलो नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। तुम मार रहे क्यों? कहां मार रहे? नाच पानी में चीनी जैसे घुले राजा जी, घुले राजा जी। कमरिया हल हल कमरिया हल 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 भोले राजा जी। क्यों स्वेटर पहने वो मोटे लग रहे हैं लाज रहे उम्र नए हो तो। फ्रेंड सर्दी में सही तरह डांस करो जाए ना तो हालत खराब हो जाती है। स्वेटर उतारते उतारते मतलब स्वेटर उतार के डांस करने में वो हमको पता है कि हम कैसे डांस करते हैं यूट्यूब पर, तब भी आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट नहीं करते हो तो ये गलत बात है ना। मेरे हस्बैंड जी से पूछो मैं कैसे डांस करती हूँ सारे कपड़े उतार के स्वेटर वगैरह इतनी सर्दी में तो कैसा लगता है मुझे। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए डांस वाला वीडियो बनाती हूँ क्योंकि आप लोग वेट करते हैं, आप लोग वेट करते हैं इसीलिए क्योंकि अब देखिए एक ये पहने हो गया ये सब मैक्सी पहने हूँ तो मैक्सी उतारनी पड़ती है, साड़ी बांधनी पड़ती है। कभी कभी नहीं मन होता तो हम मैक्सी बांध के डांस वाला वीडियो बना देते हैं क्योंकि बहुत काम हो जाता है घर में और फिर आप लोगों को ब्लॉग भी चाहिए फिर शॉर्ट वीडियो भी डांस वाला चाहिए, तब भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो गलत बात है। आप लोग प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट करिए, शॉर्ट वीडियो देखा करिए और लॉन्ग वीडियो भी देखा करिए क्योंकि सर्दियों में आपकी कठपुतलियाँ बोगी कितनी मेहनत करती है आप लोग नहीं समझ सकते हैं, वो एक हम ही समझ सकते हैं। हाय रे हाय तेरा दर्द कोई समझने वाला नहीं है दुनिया में, कोई है क्या? हम है क्या है तो हम समझने के लिए तो मेरे हस्बैंड जी ही समझते हैं मेरा दर्द, ठीक है आप लोग नहीं समझ सकते हो। लिपस्टिक काट ली लिपस्टिक हम खा गए ज्यादा ना बोला करो आएगा आएगा कितना कचौड़ी दिखाओगे फ्रेंड लोगों को, फिर फ्रेंड लोग बोर हो जाते हैं कचौड़ी में दिखाया एक बार देख चुके बस आएगा आएगा क्या आएगा सर्दी है तो गर्मी भी आएगा 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 कि आएगी मौसम आएगा मौसम आएगी थोड़ी ना। तो ठीक है फ्रेंड फाइनली मेरे कचौड़ी बन रही है अभी खा रही है तुम्हारी भूलिए दिमाग खराब करो ठीक है भैया। माय स्वीट स्वीट डियर फ्रेंड्स ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में ठीक है बाय बाय फिर तुम बाय बाय।